दोस्तों ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवजी एस्ट्रोलॉजी में। सावन में किसी भी दिन 10 रुपये का सिक्का इस पेड़ पे गाड़ देना, 24 घंटे में नदी की तरह पैसा आएगा। दोस्तों सावन का महीना यानी कि भगवान शिव का महीना, और ये महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि भगवान शिव के इस महीने में जो कोई भी भक्त सच्चे मन से कोई भी साधना करता है या कोई भी खास प्रयोग करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण तो होती है, बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी नवग्रह उसके साथ चलने लग जाते हैं। और जिस भी व्यक्ति के साथ नवग्रह उसका फेवर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आ ही नहीं सकता। और नवग्रह कब फेवर करते हैं तो वो तब करते हैं जब भगवान शिव की कृपा किसी साधक पर या किसी व्यक्ति पर हो जाती है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि चाहे भूत हो, प्रेत हो, कोई भी पिशाच हो, कोई भी योनि हो, देव हो, देवता हो, पितर हो, कोई भी इस ब्रह्मांड की योनि हो, सभी भगवान शिव के भक्त हैं और उन्हीं के सामने नतमस्तक रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बड़े ही खास उपाय के साथ हम आपको बताएंगे जो सिर्फ भगवान के इस सावन के महीने में किए जाते हैं, और जो कोई भक्त सावन के इस महीने में इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन से दुर्भाग्य बिल्कुल भी समाप्त हो जाता है और सौभाग्य की उसे प्राप्ति होती है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। चाहे आप कितने ही मेहनत मशक्कत कर लो, अगर कामयाबी नहीं मिलती तो सावन के महीने में इस 1 रुपये के सिक्के का प्रयोग जरूर कर लेना। आज आपके जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन भगवान शिव के इस खास प्रयोग को करने से सभी दुर्भाग्य जड़ से समाप्त हो जाते हैं और सौभाग्य की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ऐसा कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत रखता है यानी कि 1 महीने में जितने भी सोमवार आते हैं उनका व्रत रखते हुए रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और भगवान शिव की विशेष कृपा उसे मिल जाती है, जिसके कारण नवग्रह उसका फेवर करते हैं और बस फिर वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। ये भी बताया गया है कि सावन के महीने में बरगद वृक्ष की जो कोई सेवा करता है यानी कि रोजाना जल चढ़ाता है वहाँ पर, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पितरों के साथ तो उनका आशीर्वाद तो पाता है, साथ ही महादेव की कृपा भी मिलती है और कुल देवी जो कुल देवता उसके पक्ष में आ जाते हैं, जो कि उसको 24 घंटे नित्य प्रतिदिन रक्षा भी उसकी करते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में संकट आ ही नहीं सकता। इसी के साथ एक प्रयोग ये भी है कि सावन के महीने में अगर आप संजीवनी मंत्र की साधना करते हैं तो इससे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर साधना में सिद्धि प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि कोई भी 10 रुपये का सिक्का आपको ले लेना है। 10 रुपये का सिक्का नहीं है तो 5 रुपये का सिक्का या फिर 1 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं, अगर 10 रुपये का सिक्का है तो ज़्यादा अच्छा है। इस प्रयोग को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का सिक्का ही आपको लेना है, कोशिश यही करें। ये सावन के महीने में रोजाना आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है, इससे जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो सिर्फ इस सिक्के के यानी कि सामने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में दुर्भाग्य आता है, परेशानियां आती है, इसलिए क्योंकि उनके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं 24 घंटे घूमती रहती है जो कि उनके कार्य को बिगाड़ती रहती है। इसलिए 10 रुपये का सिक्का आपको सावन के महीने में रोजाना अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि रोज सुबह उठकर आपको इस सिक्के को धोकर अपने घर के निकट शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर रोज इस सिक्के को छूकर लाना है। ऐसा करने से जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर होती है तो इस सिक्के में चली जाती है और शिवलिंग पर छूते ही सभी नकारात्मक ऊर्जाएं एकदम समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा लग जाती है, और यही सकारात्मक ऊर्जाएं फिर आप में प्रवेश करती है जिससे सभी संकट दुख तुरंत ही समाप्त होने लग जाते हैं।
जिन लोगों की नौकरी नहीं मिल पाती या फिर नौकरी नहीं लग पाती या फिर जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो निश्चित ही सावन के महीने में इस खास सरल प्रयोग को रोज करें, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ करना भी आपको नहीं है। केवल 10 रुपये के सिक्के से रोजाना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और इस सिक्के को छूते जाना है, यानी कि जल आपको जब चढ़ाएंगे तो इस सिक्के को शिवलिंग पर छूकर दोबारा अपने घर ले आएं और रात को फिर रात से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। ऐसा करने से हर व्यक्ति का दुर्भाग्य बहुत ही तेजी से सौभाग्य में बदलने लग जाता है। ये सावन के कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है निश्चित ही। तो जरूर इसका लाभ उठाएं और आपके जीवन में जो भी समस्याएं वो समस्याएं यानी कि दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आपको एक 10 रुपये का सिक्का लेना है और आपको सावन के किसी भी दिन, सावन महीने के किसी भी दिन बेल वृक्ष के नीचे चले जाना है और इस 10 रुपये के सिक्के को अपनी मनोकामना बोलते हुए बेल के वृक्ष के नीचे आपको चुपके से गाड़ देना है, यानी कि दबा देना है। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन की सभी संकट तो दूर होंगे, साथ ही भोलेनाथ की कृपा बरसेगी, सुख समृद्धि का तेजी से आगमन होगा, माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी, महादेव जी का हमेशा आपके घर में वास रहेगा। यानी एक 10 रुपये का सिक्का लेना है और आपको किसी भी नज़दीक के या किसी भी मंदिर, जैसे जहाँ पर मंदिर होते हैं वहाँ पर बेल का वृक्ष होता है, वहाँ पर जाकर इस 10 रुपये के सिक्के को आप गाड़ के चले आना है। यकीन मानिए, दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अगर बेल का वृक्ष ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी आपको इस 10 रुपये के सिक्के को गाड़ देना है। दोस्तों, यकीन मानिए, जीवन में लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग और करें विशेष धन प्राप्ति और मनोकामना के लिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में तरक्की मिले, जैसे लगता है जैसे व्यापार आपका ठप्प पड़ गया, नौकरी नहीं मिल पा रही, नौकरी मिली है तो प्रमोशन नहीं हो रहा, घर में कलह क्लेश बढ़ते जाते, हर मनोकामना को पूर्ति के लिए, हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सावन के महीने के किसी भी दिन इस 10 रुपये के सिक्के वाले को उपाय जरूर करें। एक 10 रुपये का सिक्का लें, उस सिक्के में आपकी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना का पहला शब्द आपको इस सिक्के में चाहे हल्दी के या फिर सफ़ेद चंदन से लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला अक्षर जरूर लिख दें या फिर अपने नाम का पहला अक्षर लिख दें और नज़दीक के किसी भी मंदिर पर, वहाँ पर जैसे आपको मिल जाए बेल का वृक्ष, मिल जाए पीपल का वृक्ष या फिर तुलसी का पौधा मिल जाए, तो आपको उसके नीचे ले जाकर आपको इस 10 रुपये के सिक्के को गाड़ देना है। इतना करने भर मात्र से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी, महादेव की कृपा बरसेगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।